खबर ग्वालियर से है, जहां झांसी मार्ग नेशनल हाईवे 44 पर गुरुवार रात सड़क हादसा हो गया। यहां कंटेनर ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, नतीजन उसकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना हाईवे पर स्थित न्यू कलेक्ट्रेट की बताई गई है। यहां बाइक सवार युवक को कंटेनर ने टक्कर मारी, भिड़ंत में युवक कंटेनर के बीच में फंस गया। कंटेनर चालक युवक को लगभग 10 किलोमीटर तक घसीटते हुए गोराघाट थाना अंतर्गत गुलियापुरा गाँव के पास स्थित पेट्रोल पंप तक ले गया। इसके बाद चालक कंटेनर छोड़ फरार हो गया। NHAI की एम्बुलेंस में सवार डॉक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि वह सड़क किनारे एम्बुलेंस को खड़ी कर खाना खा रहे थे, तभी उन्हें सड़क पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त एक डिवलेक्स बाइक दिखी। इसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस से आगे जाकर देखा तो पेट्रोल पंप के पास कंटेनर में एक युवक फंसा हुआ था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और युवक को कंटेनर से निकालकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक पेशे से किसानी का काम करता था। गुरुवार शाम को वह किसी काम से दतिया आया हुआ था। घर वापस लौटते समय युवक हादसे का शिकार हो गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है, जबकि घटना को अंजाम देने के बाद कंटेनर चालक कंटेनर छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा व मार्ग कायम कर जांच में जुट गई है। बताया जा कंटेनर से घसीटने के कारण सब पूरी तरह छत विछत हो गया है। मृतक 3 भाइयों में दूसरे नंबर का है। हमने उसकी बाइक रास्ते में अपना जो न्यू कलेक्टेड है उसके पास उसकी बाइक को पड़ा हुआ देखा। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे गए तो उसकी बॉडी कंटेनर में फंसी हुई थी तो बॉडी वहाँ से एम्बुलेंस में रख के हम अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल दतिया जिला अस्पताल लेकर आए। तो यहाँ पे आते ही डॉक्टर ने पुष्टि की उसकी मृत घोषित कर दी।